9 किलोमीटर बन पाया, वो पहली बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया। तो आप खुद देखिए कि इनके विकास, इनकी नियत, इनकी नीत क्या है, वो जनता के सामने जग जाहिर हो चुकी है। और सिर्फ इनका जो स्टैंड है अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए और जनता के बीच में फिर से अपनी नई जुमलेबाजी को लेके जनता को फिर से बहलाने का काम करेंगे, धोखा देने का काम करेंगे, इसके लिए ये लोग आए दिन प्रयासरत हैं। ठीक है, एपी तिवारी जी से मेरा सवाल है सर, सरकार बहुत जोर शोर से सारी योजनाएं ला रही है, काम भी उन्होंने किया है, ये वक्त वक्त पर सर प्रधानमंत्री खुद बताते रहते हैं कि कितनी तेजी से बिजली पहुंचाने की कोशिश की, शहरों को कैसे डेवलप करने की योजना है, लेकिन अगर अर्थशास्त्र के लिहाज से समझा जाए तो क्या वाकई जो प्रयास अब तक हो पाया है, ये योजना जितनी भी आगे बढ़ी है उससे संतुष्ट नजर आते हैं क्या? इसके लिए हमें यूपी के विकास के इतिहास की तरफ फौरी तौर पर जाना होगा। उत्तर प्रदेश में लगातार आर्थिक विकास का एक गतिरोध रहा, उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा हुआ सूबा माना जाता रहा। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य नियोजन विभाग ने ही 90 के दशक के उत्तरार्ध में एक रिपोर्ट तैयार की थी और उसमें इस बात का खुलासा किया गया था कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर पूंजी निवेश बिजली और सिंचाई परियोजनाओं में हुआ है और ये वो परियोजनाएं हैं जो ढींगा मुस्ती की शिकार रही हैं। खासतौर पर टांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में उस रिपोर्ट में कहा गया कि 1977 में परियोजना आरंभ होती है और 1997 में आंशिक तौर पर बिजली का उत्पादन आरंभ होता है। लगभग यही उस रिपोर्ट में कहा गया कि टिहरी परियोजना की स्थिति रही। अब इसका एक और बड़ा कारण पिछड़ेपन का आता है जिसको हम लोग अर्थशास्त्र में पूंजी से जोड़ते हैं, पूंजी के उपयोग की कुशलता से जोड़ते हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, विद्यमान पूंजी उत्पाद अनुपात, या इसको मोटे तौर पे कहें कि पूंजी के उपयोग की कुशलता। अब पूंजी के उपयोग की कुशलता का जो मूल निर्धारक तत्व है वो होता है गवर्नेंस, शासन, अभिशासन। और यूपी के अगर पिछड़ेपन को देखा जाए तो एक और खास बात ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि केवल राजनीतिक पार्टी कोई सत्ता में रही हो, प्रश्न ये नहीं है कि उसके दौरान कैसा विकास का प्रतिरूप रहा, ये तो पूरे विकास का जो इतिहास है उसको खंगालने से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा आबादी में औसतन देश की 17% रहा और जो केंद्रीय योजनागत वित्त में यूपी का हिस्सा बैठता रहा वो 8.5%। जाहिर सी बात है कि अखिल भारतीय स्तर की तुलना में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय का स्तर आधा हो गया। क्यों? क्योंकि यूपी को उतना हिस्सा केंद्रीय योजना में नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। मैंने ये औसत की बात की है, किसी एक पार्टी के अभिशासन या शासन के ऐसा होता रहा। अब एक जो एक एक टर्म का प्रयोग किया जा रहा है, ये जो आज 81 परियोजनाएं उद्घाटित हो रही हैं, उनका कह सकते हैं शिलान्यास, लोकार्पण तो अभी बाद में होगा, लॉन्चिंग कह सकते हैं, शुरुआत की जा रही है, इसको देखा जाए तो एक यूपी में बदलता हुआ परिदृश्य है। फरवरी में इन्वेस्टर समिट होता है जिसमें 4.68 लाख करोड़ रुपए के बराबर के पूंजी निवेश के मंतव्य आते हैं और उसमें से 60,000 करोड़ रुपए अब जमीन पर उतरते हुए दिख रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति बन रही है कि उत्तर प्रदेश में एक मेजर ब्रेक थ्रू कह सकते हैं, जिसको सरकार भी कह रही कि एक जो ग्राउंड के स्तर पर, जमीनी स्तर पर विकास को उतारने की चेष्टा की जा रही है। एक बड़ा जो कारक इस पूरी परियोजनाओं की सफलता को निर्धारित करेगा वो गुड गवर्नेंस है और गुड गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 बातें बहुत स्पष्ट होती हैं, या एक केंद्रीय बात है कि भ्रष्टाचार विहीन विकास। ये वही देश है जहां पर लेट राजीव गांधी ने कहा था
कि हर एक रुपया में केवल 15 पैसे ही उन तक पहुंच रहे हैं जो लक्षित समूह हैं, लेकिन हाल के वर्षों में जो आर्थिक अभिशासन में सुधार किए गए हैं उससे जो लाभार्थी हैं उनके खाते में सीधे लाभ या सीधे वित्त पहुंच रहा है, मतलब व्यवस्था पिछली सरकारों से थोड़ी सी सुधर पाई है। तो ये उम्मीद जताई जा सकती है कि ये जो परियोजनाएं लॉन्च की जा रही है इनके परिणाम बेहतर होंगे और जिनको मैंने कहा पूंजी के उपयोग की कुशलता को जब सरकार घटा लेगी स्वाभाविक रूप में उत्तर प्रदेश की तरक्की की रफ्तार तेज हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो योजनाएं आ रही हैं जैसा तिवारी सर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इसका फायदा मिलेगा, लेकिन इन सब चीजों को राजनीतिक लिहाज से ना समझा जाए तो शायद बेकार होगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की, बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच जाएंगे, मंच पर होंगे और फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। रामेश्वर पांडे जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बीजेपी इस पूरे आयोजन के जरिए से जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं राजनीतिक हित तो साधने की कोशिश कर ही रही है, लेकिन जब हम योजनाओं और परियोजनाओं की बात करते हैं कितना मिला और कितना गवाया वाली बात आ जाती है। आर्थिक लिहाज से ये अच्छी साबित होंगी, लेकिन अक्सर एक चीज की चर्चा होती है कि हर सरकार योजनाओं को शुरू करके उनका शिलान्यास करके छोड़ तो देती है, लेकिन क्या वो अगली सरकारों में पूरे हो पाते हैं, या अभी 2019 है क्या तब तक केंद्र में बीजेपी रहेगी भी या नहीं रहेगी, तो ये बड़ी विडंबना की स्थिति हो जाती है कि वो जो प्रयास है वो आगे कंटिन्यू रहते भी है या नहीं। रूबी, आपके सवाल में दरअसल कई सवाल हैं, लेकिन उन सबको मैं 2-3 बातें। पहली बात तो ये कि कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार किसी न किसी पार्टी की होती है, जो कुछ भी करती है उसका राजनीतिक मकसद होता ही है। 2019 में चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि चुनावी, अब कोई भी फैसला हो, कोई भी घोषणा हो, कोई भी अभियान हो तो चुनावी अभियान से जोड़ा जाता है, और जब वो कुछ फैसले करते हैं, विकास के ही फैसले करते हैं, तो राजनीतिक विपक्षी दलों का अपना धर्म है, जिम्मेदारी भी है कि वो उस पर उंगली उठाए, दबाव बनाए। और मेरा ख्याल है कि सरकारों के किए गए फैसलों पर विपक्ष का दबाव ज़्यादा हो तो वो शायद एक उचित दिशा में चलता भी है। इस इन्वेस्टर समिट को लेकर जहाँ तक मैं बात करूँ तो हर सरकारें, अभी उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी और जितनी राज्य सरकारें हैं, तो आप देखें तो कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जिसने उद्योगपतियों को अपने यहाँ बुलाने की कोशिश न की हो, समिट न किए हों, और लगभग 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ तक औसतन, ममता बनर्जी जहाँ से तमाम उद्योग भाग गए थे उन्होंने भी इसकी कोशिश की है। अखिलेश की सरकार ने भी 53,000 करोड़ से ज़्यादा के ही अनुबंध किए थे, इसके पहले मायावती सरकार ने भी लगभग इतना ही अनुबंध किए थे। मूल बात यह है कि जो अनुबंध होते हैं वो एक संकल्प है, एक इच्छा शक्ति है और एक संकल्प है, उसको कागज पर हम उतार लेते हैं, ये मूवी कहते हैं कि एक मेंबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक सर, एक मिनट जरा आपको रोकना चाहेंगे। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम की थोड़ी ही देर में शुरुआत हो जाएगी और शायद वो मंच पर भी नजर आएंगे। ये देखिए जरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाइक, सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री इस वक्त कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम आग्रह करते हैं औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री सतीश महाना से कि कृपया स्वागत उद्बोधन दें। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सबके सौभाग्य से देश और दुनिया में भारत माता का मान बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी,
जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ के ऊपर बढ़ रहा है, जिनके मार्गदर्शन में हम सबको काम करने का अवसर मिला, ऐसे परम श्रद्धे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इस देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दिनेश जी, आदरणीय श्री केशव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित देश और दुनिया के लब्ध प्रतिष्ठित सम्मानित उद्यमीगण, इंडस्ट्रीज बंधु, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ने की शुरुआत जिस समय यूपी में हमारी सरकार 7 मार्च 2017 में बनी थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में इंडस्ट्रीज थी। पहले इंडस्ट्रीज के बीच में और सरकार के बीच में एक डिस्कनेक्ट था, हमारी सरकार आने के बाद वी हैड ए स्ट्रांग बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडस्ट्रीज एंड द गवर्नमेंट, और उस नाते से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हो सकता है इंडस्ट्रीज के लिए, और उसकी शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय यूपी इन्वेस्टर समिट 21 और 22 फरवरी को हुआ था, तब मैंने कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपकी उपस्थिति से हम सब लोगों को प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए, और वो ऊर्जा और वो प्रेरणा 5 महीने के अंतर्गत ही 60,000 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रीज में तब्दील होती हुई आज यहाँ पर दिखाई पड़ रही। मान्यवर, आपके निर्देश पर आपने जो दिशा दी है, उत्तर प्रदेश ने अपनी कार संस्कृति में बदलाव लाए, हम कार पद्धति में बदलाव लाए। पहले इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के छोटे से अधिकारी से मिलने के लिए इंडस्ट्रीज को बहुत परेशानी होती थी। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि किसी भी इंडस्ट्रीज को मुख्यमंत्री जी से मिलना हो तो हम 24 घंटे में उनकी भेंट करा सकते हैं, और हमारे विभाग का हर अधिकारी तत्परता के साथ इस मिशन को आगे ले जाने के लिए तैयार। मान्यवर, हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2017 लेकर आए, उसके कारण भी इंडस्ट्रीज ने एक विश्वास जगा कि अब उत्तर प्रदेश में हम जा सकते हैं, और उसके साथ ही हम इतने कम समय में मान्यवर हम 21 सेक्टोरियल पॉलिसीज लेकर आए, विभिन्न विभागों के लिए संबंधित जो जिस सेक्टर के अंतर्गत अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसके लिए एक अपनी पॉलिसी है, जिसके कारण वो आकर्षित होकर आज यूपी में आ रहे हैं। मान्यवर, हमारा संपर्क इंडस्ट्रीज से लगातार बना हुआ है और बड़ी संख्या में निवेश आ रहे हैं। आज जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं मान्यवर, इसके साथ ही पाइपलाइन में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज की योजनाएं हैं जो कुछ प्रोसीजरल कारणों के कारण उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक दूसरा इससे बड़ा इन्वेस्टर समिट करेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन करेंगे कि उनका आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति हम सब लोगों को उसमें मिले। मान्यवर, आपने पिछले इन्वेस्टर समिट में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा करी थी, माननीय रेल मंत्री जी ने रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा करी थी, हम उसके ऊपर भी पूरी मेहनत के साथ, पूरे योग के साथ और इंडस्ट्रीज के साथ लगातार हमने इन 5 महीनों में लगभग 7 ऐसे डिटेल्ड सेशंस किए हैं जिसमें इंडस्ट्रीज को और हमारे PSUs जो हैं डिफेंस के, उनके साथ हम लोगों ने बैठकर बातचीत करी है। मुझे विश्वास है कि अगले समिट में हम बहुत बड़ी संख्या के अंतर्गत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मूर्त रूप देखे लेते हुए देख सकेंगे। मैं पुनः एक बार हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का विनम्रता के साथ, आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, और सुबह सभी उपस्थित भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री सतीश महाना। आज औद्योगिक निवेश की सुगंध से, संभावनाओं से सुवासित है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज अभूतपूर्व औद्योगिक उत्थान के द्वार पर बंधनवार सजाए नए औद्योगिक युग का स्वागत कर रहा है। अपने पूरे समर्थन और पूरे सहयोग के साथ आज हमारे बीच देश की जानी मानी औद्योगिक हस्तियां भी उपस्थित हैं। हम सभी उत्सुक हैं उनके उद्गार जानने के लिए। सबसे पहले हम आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन श्री कुमार मंगलम बिरला से निवेदन करते हैं कि कृपया अपने उद्गार रखें।
तमाम सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर लगातार बात हो रही है, 60,000 करोड़ रुपए का तोहफा भी मिलने जा रहा है, और तमाम सारे जो कारोबारी हैं देश के, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो, वो भी यहाँ पहुँचे हैं, और बार बार इसी बात का जिक्र हो रहा है कि इसके ज़रिए कहीं ना कहीं देश को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश है, लेकिन तब जब लगातार इन पर काम होता रहे, सिर्फ एक सेरेमनी के तौर पर इन्हें छोड़ना दिया जाए। रामेश्वर पांडे जी से हम बात करें थे, सर आप अपनी बात पूरी कर लें तो हम आगे बढ़ें। मेरा ये कहना था जो हम अपनी बात कि तमाम प्रदेशों ने इस तरह की कोशिशें की हैं, उत्तर प्रदेश ने, पिछली सरकारों ने भी कोशिशें की है, अनुबंध हुए हैं, लेकिन आकलन इस बात पर होता है कि वो अनुबंध जमीन पर कितना उतरे। लेकिन उत्तर प्रदेश का इतिहास देखें तो अभी 5 महीने पहले जो अनुबंध हुए उसमें कुछ लगा कि लागू हो सकता है, कुछ लगा कि ये शायद लागू होने लायक नहीं। बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने 1,000 करोड़ के अनुबंध कर लिए और उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी, एक उत्साह था। लेकिन 5 महीने बाद ही ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसको देखकर लगता है कि अगर पिछली सरकारों की तुलना में तो जमीन पर तो भविष्य में आएगी योजनाएं, वो दिखेंगे। लेकिन यह सही है कि परसेप्शन बदला है, अवधारणा में फर्क है, और ये मैं कह सकता हूँ कि जो तमाम औद्योगिक घरानों ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उद्गार व्यक्त किए हैं, तो यह जो संकल्प है वो उचित दिशा में जाता हुआ लग रहा है, और इंतजार किया जाना चाहिए कि जो योजनाएं हैं, जो घोषित हो रही हैं, जिसके शिलान्यास होंगे, वह पूरे हों। और अगर वो पूरे होते हैं, मैं कहता हूं कि उसका 50% भी अगर पूरा होता है तो भी इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए, यहाँ के आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, प्रति व्यक्ति आय के नज़रिए से बहुत बेहतर होगा। लेकिन आकलन अभी होना है, दिशा उचित है और उसका इंतजार किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी योजनाएं जाहिर सी बात है जमीन पर आएंगी, उनका असर कितना होगा, कितनी ज्यादा फायदेमंद होगी, ये तो देखना ही पड़ेगा। बीजेपी से अमित तिवारी जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ होने के लिए। बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कल भी थे, आज भी है, लेकिन इन सबके भी जो चर्चा बार बार हो रही है, इस बात की हो रही है कि परियोजनाएं आपने शुरू कर दी, लेकिन वो आगे जा कहाँ रही, उनमें अब तक हो क्या पाया, जो 5 महीने 6 महीने पहले किया उसमें अब तक क्या हो पाया। यही हमारे जो बीजेपी कांग्रेस के मेहमान है विशाल राजपूत जी, वो भी यही सवाल उठा रहे थे। देखिए ऐसा है कि आज ये आयोजन हो रहा है, सबसे पहले एक चीज़ होनी चाहिए, आज जो अविश्वास पैदा हो रहा है वो अविश्वास इसलिए पैदा हो रहा है कि आज तक की जो सरकारें रही हैं उनका काम केवल एक रहा कि अपनी जेब भरो, अपनी व्यवस्था देखो। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में, प्रदेश में, एक दृढ़ संकल्पता के साथ आई है, उसका एक ही मकसद है कि विकास। हम आगामी चुनाव में भी हमारा एक ही मुद्दा होगा, विकास का। कल आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपना भाषण दिया कि पूरे विकास पे केंद्रित था, उन्होंने उस दुख दर्द को समझा है, और उन्होंने एक बात कही थी कल कि कष्ट वही जानेगा जो कष्ट सह के आया हो। अब पहली बार ये महसूस हो रहा है जनता को, इसी के कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैलती जा रही है, कि जनता को अब विश्वास हो रहा है कि अब उनकी चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र पे भरोसा जनता कर रही है। आज तक ये भरोसा नहीं था, और ये जो योजनाएं आ रही हैं, निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मूर्त रूप लेंगी, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का विकास होगा और देश प्रगति के रास्ते पे जाएगा। विशाल जी, ये आरोप बार बार लगता है कि कहीं ना कहीं जो विश्वास सरकार पर जनता का है वो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों में कम रह गया, जो छवि बनाई गई जनता के बीच में उसका बड़ा फायदा मिला, आप कहीं चूक गए इसमें। देखिए, इन्होंने झोली भर के इतने वादे लेके आए कि किसी भी वर्ग का, किसी भी क्षेत्र का कुछ भी छोड़ा ही नहीं इन्होंने। तो मैं पहली बात इनके एक जवाब देना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि पिछली सरकार आई और जेब भर के चली गई,
तो साहब जरा आप गुजरात कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट बैंक के बारे में थोड़ा बता दीजिए, जहां 5 दिन में 750 करोड़ रुपया आ गया और वो उसका संरक्षक जो है माननीय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं। फिर आप रफेल पे भी थोड़ा आ जाइए, रफेल में जो चीज़ 520 करोड़ रुपए की थी आपने उसको 1670 करोड़ में कर दिया। साहब इतना आपका ना घर है ना आपका परिवार है, साहब इतना पैसा कहाँ लेके जाएंगे आप जो दूसरी सरकार पे जो आप इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हुए आप ये नहीं सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपके भी गिरेबान में कुछ चीज़ें हैं और आप उसको ध्यान नहीं देते। विकास के नाम पे आए आप, बताओ उत्तर प्रदेश में सीना चौड़ा करके कि हमने ये विकास किया है, विकास के नाम पर आप शून्य साबित हो गए हैं। आपका असली असली विफलताओं का चेहरा जनता के सामने जग जाहिर हो चुका है, इस चीज को आप मानिए। अभी तक भी चाहे आप देख लीजिए किसान के नाम पे आप फेल हैं। आपने भारत देश, जो भारत देश सबसे युवा देश है, वहां पे आपने बोला कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आप बताइए आपने कितने युवाओं को नौकरी दे दिया, 4 साल बीत गए हैं कम से कम उस उत्तर पूरे भारत देश में 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था और आपने सिर्फ 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है। यह है आपका विकास। मैं आपको आपका विकास बताता हूं, आपका विकास यह है कि आज इसी उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ पर कुछ महिलाएं शिक्षक जो शिक्षा मित्र हैं बहुत बड़ी संख्या में अपना सर मुड़वा के चली आती हैं, हमको शर्माती है। यह है आपका विकास। और मैं आपको और विकास बता रहा हूं कि जेल में एक अपराधी की हत्या हो जाती है, यह है आपका विकास। और दूसरा मैं विकास गोरखपुर में बता रहा हूं जो वो मासूम बच्चे मर जाते हैं, यह है आपका विकास। अरे साहब आप अपने विकास पे तो आ ही कहां रहे हैं, आप तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट लॉन्चिंग करते हैं, एक ब्रांडिंग करते हैं, होल्डिंग्स लगाते हैं, फेसबुक करते हैं। अरे साहब थोड़ा जमीन पे आइए, जमीन की बातें करिए, सिर्फ जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा। आपने कहा भी, कांग्रेस के मित्र ने मेरे कहा, अगर इतना ही भरोसा था अपने कामों पे, 10 वर्ष लगातार आप रहे फिर सरकार में, तो क्यों नहीं आते हो अकेले लड़ने, क्यों आप परेशान हो रहे हो, सब गठबंधन कर रहे हो, आपके इन लोगों के पास ना कोई सोच है ना कोई विकास की योजना है, केवल मोदी हटाओ मोदी हटाओ। आखिर ये क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की थी, पूर्ण बहुमत की सरकार जनता ने दी थी, क्यों नहीं उन लोगों ने विकास कर दिया, क्यों नहीं आज अकेले लड़ने का दम भर पा रहे हैं? आज इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, देश आज आशा भरी नजरों से मोदी जी की ओर देख रहा है और विकास की बातें आप कर रहे हैं, विकास हो रहा है तो ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, नहीं। आंखों के दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखों में कितनी निराशा है वर्तमान सरकार को लेके। कोई निराशा नहीं है, निराशा उन लोगों में है जो लूट खसोट करते हैं। ठीक है, ठीक है अमित जी, विशाल जी, ठीक है। रामेश्वर जी से मेरा सवाल है सर, यही करते रहे क्या हम कहीं पिछड़ गए? पिछली सरकारों को भी पूरा वक्त मिला, केंद्र में भी राज्य में भी, लेकिन क्या वाकई विकास की जो परिपाटी है, विकास की जो राह है, उस पर अब आगे बढ़ने की कोशिश हो पा रही है? कोशिश पिछली सरकार में भी हुई लेकिन शायद उसका उतना असर नजर नहीं आया। मुझसे सवाल है। जी जी सर, अभी हमारे राजनीतिक बंधु लोग थे, वो अपनी अपनी भूमिका में बिल्कुल, कांग्रेस के साथी को इसी तरह प्रस्तुत होना चाहिए, भाजपा के साथी को भी यही जवाब देना चाहिए, लेकिन एक स्वतंत्र आकलन करें तो सारी पार्टियों को हिंदुस्तान की जमहूरियत, आज हम आज़ादी के बाद इतने सालों बाद अगर देखें तो जो गुर्बत की स्थिति है, प्रति व्यक्ति आय की जो स्थिति है, रोजगार की उपलब्धता की जो हालत है, इसके लिए एक तो नहीं सभी पार्टियां कटघरे में खड़ी हैं। सत्ता में कांग्रेस भी रही है, साझा सरकारें भी रही हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी सरकारों में रही हैं और कांग्रेस तो लंबे समय तक रही है। उत्तर प्रदेश ने, अगर कांग्रेस ने दरअसल विकास का रोड मैप, कांग्रेस के इस दावे में बिल्कुल दम है, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान आज इस जगह खड़ा है तो कांग्रेस की सरकारों के दौरान ही खड़ा रहा है, लेकिन यह भी सच है कि अटल जी के समय में विकास की जो गति थी, चतुर्भुज योजना को लोग याद करते हैं, तो विकास है, आर्थिक विकास है, इस पर सरकारों ज़्यादा दुनिया के जो आर्थिक गतियां हैं
उसका भी एक बड़ा हाथ है, लेकिन यह सही है कि कांग्रेस ने देश को उस जगह छोड़ा होता जहां भुखमरी से मौतें न हो रही होती तो कांग्रेस सीना तान के कह सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने देश को उस जगह नहीं पहुंचाया जहां भुखमरी से निजात मिल गई हो। अगर उस जगह पहुंचा दिया होता तो देश आज विकासशील या उससे पिछड़े से विकसित देश की श्रेणी में खड़े होकर राजनीति कर रहा होता। तो जवाबदेह कांग्रेस भी है, जवाबदेह दूसरी पार्टियां भी है। हाँ, लेकिन राजनीति विकास की वो राजनीति की बातें चाहे जो भी हो, आपस में द्वंद्व हो, लेकिन विकास के जब मुद्दे हों, आम लोगों की सहूलियत की जब बात हो, नागरिक अधिकारों की बात हो और लोगों को शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक की जरूरी सुविधाओं की बात हो, उनके मौलिक अधिकारों की बात हो, तो सभी पार्टियों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। दुर्भाग्य ये है आज के देश का कि हम सकारात्मक चीज़ों में भी चुकी राजनीति करनी है तो हम उंगली उठाते हैं और ये बीमारी संसद तक, जिन प्रस्तावों को, जिन बिल्स को एक सरकार में रहते हुए जोर शोर से लागू करना चाहती है, जो ही विपक्ष में आती है, ये भाजपा ने भी किया है, ये कांग्रेस भी कर रही है। आज देश की जरूरत है। अब वो पीढ़ी पुरानी हो गई, नौजवान पीढ़ी हर चीज़ समझ रही है, सूचना के साधनों से संपन्न है और वो आकलन भी करती है। लेकिन तो मुझे डर ये लगता है कि कहीं राजनीतिक दल संपूर्ण रूप से डिस्क्रेडिट होने लगे युवाओं में, इसलिए इस मंच पर मैं यही आग्रह करूंगा कि अगर विकास की अगर कोई अच्छा सकारात्मक माहौल बन रहा है, कोई घटना परिघटना हो रही है, तो उतने ही सकारात्मक रूप से उसको लिया जाए। मैं फिर कहूंगा कि विपक्ष लेकिन अपनी उंगली उठाए रहे ताकि सत्ता पक्ष पर दबाव बना रहे, तब शायद ज़्यादा सकारात्मक दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सारी पार्टियों को हमेशा याद रखना होगा कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई उन्होंने नहीं पूरी की, इसीलिए वो सारे काम अधूरे पड़े हैं और अब और सरकार जो सत्ता में सरकारें हैं उनको ये बात याद रखनी होगी, जिन पिछली सरकारों ने जो गलती की जनता ने उन्हें नकार दिया, इस सरकार को यह बात हमेशा याद रखनी होगी। लेकिन इससे भी सर जनता के बीच एक मैसेज जाता है कि जब विपक्ष ये कहता है कि नहीं वो तो ईवीएम का फैसला है, जनता का नहीं है, वोट दे रहे थे किसी को, जा रहा था बीजेपी को, तो एक जनादेश जो इतना बड़ा मिला था उस पर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लिहाज से सवाल उठा लिए गए। देखिए, अब राजनीतिक कारणों से ही सवाल उठाए जाते हैं तो कुछ जेन्युइन कारण भी है। मेरा ये मानना है कि समाज आगे चलता है, तकनीक आगे चलती है, लोग भूल जाते हैं कि जब चुनाव होते थे तो रक्त रंजित चुनाव होते थे, बैलेट पेपर में पानी डाल दिया जाता था, लूट लिया जाता था, बूथ लूट की घटनाएं होती थी, हम लोग पत्रकार थे, सवेरे से इंतजार करने लगते थे और खबर छपती थी कि पहला चरण हिंसक, दूसरा चरण हिंसक, लोग भूल जाते हैं। हम आगे चल रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में अगर विपक्ष, बिना विपक्ष के लोकतंत्र नहीं चल सकता। अगर कुछ सवाल उठे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठे, विपक्ष ने सवाल उठाए, सबसे बड़े दल जो लोकतंत्र का हमारा आवश्यक हिस्सा है, मैं मानता हूं कि सरकार का हिस्सा है विपक्ष, जो है सत्तारूढ़ दल का हिस्सा मैं मानता हूं, जो पार्लियामेंट जो संपूर्ण सदन बनता है वो बिना विपक्ष के नहीं हो सकता, और अगर उसका महत्वपूर्ण हिस्सा विपक्ष एक सवाल उठा रहा है तो मैं मानता हूँ कि बैलेट से हमें आगे चलना चाहिए, हमें ईवीएम से भी आगे चलना चाहिए, लेकिन उन सवालों का जवाब भी सत्तारूढ़ दल को जरूर देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और कहीं ना कहीं सारी पार्टियां ये जानती हैं कि बैलेट से अगर ईवीएम तक आए हैं तो कितनी ग्रो किया गया है, कितना विकास हो पाया, और शायद वो तरीका आज के सरकार को आज सवाल उठे हैं, बिल्कुल उचित ढंग से चुनाव आयोग को भी उचित जवाब देना चाहिए। ठीक है,
बेहतर। ठीक है, बदले वक्त के साथ, ये बदले वक्त की जरूरत भी थी शायद, इसीलिए ये ऑप्शन लाया गया, और शायद जब हम और आगे बढ़ेंगे अगले कुछ सालों में तो ये तरीका और भी शायद अपडेट हो जाएगा, लेकिन वक्त आज सही चीज के साथ सही बोलने का है, बजाय इसके कि हर मुद्दे पर राजनीति की जाती। हमारे साथ एपी तिवारी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर, बार बार इस बात की चर्चा होती है कि सरकारें आई और गई, योजनाएं वहीं की वहीं रह पाई, लेकिन जो अभी योजना है, जिन तीन योजनाओं की खासतौर पर बात हो रही है, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सब के जरिए से जो कोशिश की जा रही है, उसका कितना सकारात्मक असर आप देख पा रहे हैं? रूबी जी, अगर देखा जाए विकास यूपी का किस तरह हुआ खास तौर पर, क्योंकि हम यूपी से जुड़ी हुई परियोजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये पाते हैं कि वो भी तो यूपी की भी जो विकास की रणनीति थी, वो जो राष्ट्रीय स्तर पर विकास की रणनीति तय की गई थी आज़ादी के बाद, उसी का एक स्वरूप पालन करता रहा उत्तर प्रदेश भी। मुझे अच्छी तरह से याद है और कि एक ही पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजनाओं में एक ही पंचवर्षीय योजना है देश की, जिसमें रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, और वो जनता प्लान है, 1978 से 83 के लिए दस्तावेज बना था, किंतु राजनीतिक को उथल पुथल के कारण फिर वो 80 में चुनाव होते हैं और वो योजना भी धरी सी रह गई कह सकते हैं। बड़े अभिनव प्रयोग किए गए थे उसमें, बड़े नवाचारी प्रयोग किए गए थे, हिंदुस्तान की जो जमीनी हकीकत है उसको समझने के लिए यहाँ की सांस्कृतिकी को समझना पड़ेगा, यहाँ की सामाजिकी को समझना पड़ेगा। मैं हूँ तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी, लेकिन बात गैर आर्थिक कारकों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। परिणाम क्या हुआ, ये क्यों हुई? मैं पहले बार बार ये इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि राजनीतिक सर्वानुमति का अभाव है कि जो विकास का मॉडल अपनाया गया भारत द्वारा आज़ादी के बाद, उसमें ग्रोथ को नंबर एक पर रखा गया, रोजगार को नंबर दो पर रखा गया, और उसी की परिणति हुई कि रोजगार विहीन विकास हुआ। केंद्र और राज्य में किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता रही हो, इससे उसका कोई सरोकार नहीं रहा। किंतु इधर जब योजना आयोग का रूपांतरण नीति आयोग के रूप में हो चुका है, तो विकास की जो एक रणनीति की अवधारणा है उसमें संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं। अब नीति आयोग केवल धन बांटने का काम नहीं करता, वो खास तौर पर राज्यों के स्तर पर विकास के लिए विकल्प सुझाता है। वहाँ के जो राज्य के संसाधन हैं, जैसे यूपी को ही अगर ले लें, तो उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक और मानवीय संसाधन विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं, किंतु इनका दोहन नहीं हुआ। जैसे हाल ही में जो ये फैसला लिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि हर जिले का एक जो परंपरागत उत्पाद है उसको प्रोन्नत करते हुए विकास किया जाएगा। अब ये तो जो परंपरागत उद्योग थे, चाहे फौरी तौर पर उदाहरण के तौर पर ले लें, फिरोजाबाद का बेंगल कटिंग इंडस्ट्री है, जो वहाँ पर जो कांच का उद्योग है, वैसा कांच ब्राजील भी पैदा नहीं कर पाता, लेकिन बेल्जियम भी नहीं कर पाता, मैं करेक्ट कर लूँ अपने को। तो यदि बेल्जियम भी वैसा उत्कृष्ट नहीं पैदा करता, दूसरी तरफ अगर ले जाए कालीन उद्योग की तरफ, तो कालीन इतना उत्कृष्ट भारत का है, पूर्वांचल का उद्योग है, परंपरागत उद्योग है, कि वैसा उत्कृष्ट कालीन दुनिया का कोई भी देश, समुन्नत देश भी नहीं पैदा कर पाता। और इसीलिए ये चिंता रही है अमेरिका की भी, अमेरिका भारत के खिलाफ इसीलिए कुछ सामाजिक उपबंध लगाता रहा, कोशिश की थी उसने WTO के तहत। तो विकास का जो एक नया मॉडल बहुत अच्छी तरह से रचित नहीं है वो अभी, क्योंकि उसकी रचना के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों में एक सर्वानुमति बने, जैसा पांडे जी कह रहे हैं कि विकास को लेकर कोई विमति नहीं होनी चाहिए, वो उसमें तो एक सर्वानुमति की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि विकास किसका है? विकास देश का है, प्रदेश का है, गांव का है, शहर का है। विकास तो एक सर्वानुमुखी होना चाहिए, विकास की एक सर्वांगीण दृष्टि होनी चाहिए, राजनीतिक दल सत्ता में रहे या न रहे, सतत प्रक्रिया के तहत चलना भी चाहिए, कंटिन्यू रहना भी उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है अमित जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि न केवल सरकार जो कोशिशें कर रही है कुछ चंद योजनाओं के जरिए से, बल्कि उत्तर प्रदेश
निवेश के लिहाज से भी कदम उठाए जाने जरूरी, जिन चीज़ों का जिक्र ए पी तिवारी जी कर रहे हैं कि जो यहाँ के उद्योग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन उन पर कितना काम हो पाया केंद्र में रह करके। अब अगर ये सवाल उठाया जाए तो आपके पास जवाब होगा कि राज्य में सरकार नहीं थी, लेकिन अब तो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर कुछ फैसले आते तो शायद 2019 में उसका फ़ायदा आपको ही मिलता। देखिए, चुनाव लोकतंत्र में एक नेचुरल प्रक्रिया है, हम चुनाव पे नहीं जाते। सरकार, जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, आज 1.5 साल की हमारी सरकार हो चुकी है प्रदेश में। जो अभी तिवारी जी ने कहा कि जो परंपरागत उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, तो इसी के लिए हमारी प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और उस पर गति से काम शुरू हो गया है। कल आपने प्रधानमंत्री जी को सुना, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जब तक योगी जी नहीं थे मुझे बड़ा दर्द हुआ प्रदेश में। जब सरकार किसी की हो, अभी वरिष्ठ पत्रकार पांडे जी ने कहा कि सकारात्मक सोच आनी चाहिए हमारे अंदर, अब देश बदल रहा है, देश को हमें 21वीं सदी में पहुंचा देना है, तो सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। सकारात्मक राजनीति जब तक नहीं होगी इस देश में तो समस्याएँ आएंगी, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से कहीं भाग नहीं रहे हैं। हम लगातार विकास की बातें कर रहे हैं और 1.5 वर्ष में आप देख रहे हैं 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कर दिया गया, शायद किसी प्रदेश में इतनी तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ा नहीं गया है। हम मान लेते हैं इन लोगों की बात, हाँ, कि हम पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर इसकी आधी भी पूरी होती है, हम तो कहते हैं 100% पूरी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी इसके प्रति संकल्पित हैं कि इन योजनाओं को हमें पूरा करना है। अरे आप बात करते हो, क्यों नकारात्मक राजनीति आप लोग करते हो? विशाल जी, सकारात्मक राजनीति की उम्मीद आपसे की जा रही है, लेकिन क्या सदन में सिर्फ प्रधानमंत्री को गले लगाकर सकारात्मक राजनीति का उदाहरण पेश करना चाहते हैं आप? ठीक है सर, विशाल जी, जैसे आपने पूछा कि गले लगाना ही सकारात्मक राजनीति है, तो मैं आपको बता दूं, गले लगाना सिर्फ सकारात्मक राजनीति, वर्तमान सरकार ने जो धर्म को बांट रखा था विनाशकारी नीति के द्वारा, उन्मादी नीति के द्वारा, तो हम लोगों ने सिर्फ गले मिलाकर नफरत की आवाज को प्यार से खत्म करने का काम किया, पहला काम। दूसरा, जो ये अभी कह रहे थे कि इस प्रदेश में जो उद्योग है उनको बढ़ावा देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का जो गृह संसदीय क्षेत्र है बनारस, उसमें बुनकरों के लिए इन्होंने क्या किया है, मऊ में कताई मिल बंद है उनके लिए इन्होंने क्या किया है, बहुत सारी गन्ना मिल्स, बहुत सारे कानपुर के कारखाने सब बंद हैं, सिर्फ इन्होंने कुछ नहीं किया। आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताऊं, जो प्रधानमंत्री जी ने विकास के नाम पर 4 गांव बनारस में गोद लिए थे, तो एक इसी प्रदेश का युवा बेरोजगार RTI के माध्यम से जब पूछता है, तब RTI से ये रिपोर्ट आती है कि प्रधानमंत्री जी की निधि से इन 4 सालों में उन 4 जो गोद लिए गांव थे उस पर 0 काम हुआ, मतलब उसका कोई काम नहीं हुआ, ये रिपोर्ट आई है, ये आप देख भी सकते हैं। तो इनका विकास तो जग जाहिर हो चुका है कि इन्होंने क्या किया है। देखिए, शिलान्यास करने से विकास नहीं होता, ठीक है, देश रिजल्ट मांग रहा है, प्रदेश रिजल्ट मांग रहा है, और जब तक इस देश प्रदेश का लैंड ऑर्डर खराब रहेगा तो विकास कहीं ना कहीं उसी तरह भागेगा जिस तरह भी 4 साल में आप भगा रहे हैं। तो कुल मिला के एक बात जान लीजिए, पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता इस समय इनको जान चुकी है। ठीक है, रामेश्वर जी से मेरा सवाल है सर, जनता का विश्वास, जाहिर सी बात है जो बात विशाल जी उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के गोद लिए जो गांव थे उनमें विकास कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाया, कोई परिवर्तन नजर नहीं आता, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बहुत थोड़े में। सर देखिए रूबी, उन्होंने एक सवाल कहा वो, तो अगर आकलन करें तो सभी सांसदों को ये जिम्मेदारी थी, उनको गांव गोद लेना था। रिपोर्ट्स आई हैं कि बहुत सारे सांसदों ने अपना पैसा नहीं खर्च किया, और ये एक बहुत ही चिंतित करने वाली बात है, अच्छी बात नहीं है। दिक्कत तब होती है कि जब हम बात करते हैं तो एक पार्टी तौर पर बात करते हैं, तो सत्तारूढ़ दल में हैं तो हम ये कहते हैं कि हमसे पहले जो कुछ था सब खराब था, और विपक्ष में रहते हैं लोग तो जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो नहीं दिखाई पड़ता, कहते सब खराब हो रहा है आम जनता में, इसलिए दोनों डिस्क्रेडिट हो जाते हैं, और इसीलिए आमतौर पर लोग कहते हैं कि राजनीतिक लोगों की बातें समझ में नहीं आती, ये राजनीति करते रहते हैं। राजनीति जो सबसे सकारात्मक
इस देश के लिए क्या दुनिया के लिए सबसे जरूरी चीज है आम जनता की सुख सुविधाओं को प्रदान करने का तंत्र देने वाला जो रोशनी है उसको काले धब्बे की तरह कहने लगे। राजनीति सबसे जरूरी आवश्यक चीज कटघरे में खड़ी हो जाती है। अब भाजपा साथियों से पूछा जाए क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या अखिलेश सरकार में खाली भ्रष्टाचार ही था और कुछ सकारात्मक नहीं हुआ? क्या मायावती के शासन में सब कुछ खराब खराब ही हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार था? क्या कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया इस देश के लिए? तो उन्हें इन सच्चाई को स्वीकारना चाहिए और हमारे विपक्ष के साथ ही स्वीकारना चाहिए कि एक बड़ा आयोजन हो रहा है, एक सकारात्मक दिशा में कुछ चीज़ है तो उसको सराहें। हाँ, उनको तथ्यों के साथ उन चीज़ों पर बात करनी चाहिए जो सचमुच, जैसे खुद जब सरकार यह मानती है कि भ्रष्टाचार से लड़ना है, इसका मतलब है भ्रष्टाचार है। जब खुद भाजपा के मंत्री, खुद भाजपा के विधायक जब कहते हैं भ्रष्टाचारी है, थानेदार, पूरा तंत्र, और फिर आप सदन में भी कहते हैं कि प्रशासनिक तंत्र के कारण अच्छी योजनाएं विफल हो गई, इसका मतलब भ्रष्टाचार है, तो हमारे विपक्ष आदि वहां प्रहार करें ना, यह कहें कि इन योजनाओं में वो सवाल उठाएं, जैसे सवाल उठा सकते हैं कुछ विपक्ष के। हमने जिम्मेदार लोगों ने पिछली बार जो 5 महीने पहले हुआ तो एमयू में कुछ ऐसे लोगों ने एमयू साइन किए जिनकी स्ट्रेंथ ही नहीं थी वो अनुबंध करने की, तमाम गड़बड़ियां हैं, सवाल वहां उठाएं। बिल्कुल, लेकिन संपूर्णता से आप खारिज करते हैं और आप संपूर्णता से जब आप बात करेंगे तो अपने विधायक, आप सदन में जब बात करेंगे तो नौकरशाही को दोष ठहरा देंगे, नौकरशाही के भ्रष्टाचार को दोषी ठहरा देंगे। तो यह सच्चाई है कि हिंदुस्तान में तमाम सारी योजनाएं, ये बदलाव बहुत ज्यादा सर जो 5-5 गुना बढ़ गया उसमें नौकरशाही की कार्यशैली जिम्मेदार है, उससे इस सरकार को भी लड़ना है। और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा बिल्कुल है, इस पर काम करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामेश्वर जी हमारे साथ होने के लिए, विशाल राजपूत जी आपका भी, एपी तिवारी जी आपका भी और अमित तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। तो लगातार उन मसलों पर नजर बनी हुई है जो देश की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण है और सरकार विकास के लिहाज से उन योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। 2019 सामने है, जाहिर सी बात है, निशाना सबका उसी पर है।